आईसीयू के भीतर आने के लिए सबसे पहले तो आपको ऐसा पहनावा रखना पड़ता है ताकि किसी भी तरीके से कोई संक्रमण आप न लेकर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल मरीज रहते हैं। डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर्स फंक्शन कैसे करते हैं, क्रूशियल इन्हें माना जा रहा है, अगर आप उस वेंटिलेटर के जरिए हमें समझा सकें। पहले तो यह है कि कोई भी पेशेंट अगर जैसे कि जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, अगर कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ सकती है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और अगर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ गई या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई और जो कि वो खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके फेफड़े क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से सूज गए हैं और वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन, और उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगे, तो हमें फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप मशीन के जरिए हमें समझा सकें। ओके, ये वेंटिलेटर की मशीन है, ये वेंटिलेटर की मशीन है, इसमें ये देख सकते हैं कि एक ट्यूबिंग से वाइट वाली है, इससे ऑक्सीजन जाता है, दूसरा ब्लैक है, इससे एयर जाती है, तो ये दोनों ऑक्सीजन और एयर वेंटिलेटर में जाती हैं। वेंटिलेटर के साथ वेंटिलेटर में हम फिर सेटिंग होती हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, जिससे कि हम ये अपने हिसाब से जितना पेशेंट को ज़रूरत है ऑक्सीजन की वो हम सेट कर देते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन की लिम्ब जाती है जिससे कि ऑक्सीजन जा रही है यहाँ से, और वहाँ से जब ट्यूब पेशेंट को वापस दूसरी लिम्ब है, दूसरे से कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकलती है। तो ठीक, तो वेंटिलेटर काम है ऑक्सीजन देना, और जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक्सपायर्ड ऑक्सीजन गैस में आती है, एक्सहेल करते हैं, तो जो कि हमें फिर दूसरे लिम्ब से वो वापस वेंटिलेटर में जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे देखकर ये लग रहा है कि इन मशीनों को अगर कोई आदमी खरीद भी लेता है होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते हो क्या? उसे इसके लिए पूरा स्टाफ चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए पूरा हमें नर्सिस चाहिए, पूरे डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि ये खाली नहीं है, ये मशीन पे कितना ऑक्सीजन देना है हमें, उसके खाली ऑक्सीजन नहीं है, उसमें फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल मोड है, ये डिफरेंट मोड्स है, वॉल्यूम कंट्रोल है, प्रेशर कंट्रोल है, प्रेशर सपोर्ट है, ये डिफरेंट मोड्स है, ये एक डॉक्टर ही सेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक मशीन लगाया ऑन कर दिया और आप जिंदा हो। बिल्कुल, ये सारे पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं कि हमें टाइडल वॉल्यूम कितना देना है, यानी कि कितना मात्रा में वॉल्यूम देना है हमें ऑक्सीजन का, फिर हमारी रेस्पिरेटरी रेट कितनी सेट करनी है जैसे कि ये है, फिर हमारा एक होता है कि हमें ये टाइडल वॉल्यूम कितना देना है, यानी कि कितना वॉल्यूम में ऑक्सीजन दे देंगे, कितना रेट रखेंगे हम, ये भी यहाँ तय करते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट कितना होना। हाँ, ये भी हर कोई पैरामीटर हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स। कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर डाला, हो सकता है वो आहिस्ता 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 उसको रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो ये डॉक्टर ही सेट कर सकते हैं, और इसके लिए पूरा एक सिस्टर्स बैकअप देते हैं कि वो देखते रहते हैं कि पेशेंट का ये सेटिंग करने के बाद हमें ऊपर देखना पड़ता है कि जैसे ये हार्ट रेट है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ये हम जनरली रखते हैं मोर देन 90%, तो ये हमें मॉनिटर करते रहते हैं, हम मॉनिटर करते रहते हैं, हमारी टीम पूरी मॉनिटर करते हैं अकॉर्डिंग टू जो मरीज है उसके हिसाब से। बिल्कुल, ये हमारे टारगेटेड होते हैं, जैसे 90 से ज्यादा रहना, जैसे 96 आ रहा है, ये ब्लड प्रेशर है, बाकी रेस्पिरेटरी रेट है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें इसमें एक नॉर्मल इंसान खुद घर में लगा के नहीं कर सकता है, इसके लिए पूरा एक टीम वर्क टीम होता है जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, तभी वो सेटिंग्स हम कर सकते हैं। तो एक अकेले डॉक्टर से अलग अलग नहीं होगा, कोई अगर मशीन होल्ड भी कर ले तो उसे कोई फायदा नहीं होने। नहीं नहीं, वो कोई स्टाफ के साथ, बिल्कुल एक नहीं, काफी स्टाफ चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए, उसके बाद बाकी डॉक्टर्स में सारे आएंगे, चाहे वो पल्मोनोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एनेस्थेसिस्ट हो, क्रिटिकल केयर डॉक्टर भी चाहिए, अलग अलग इन द सेंस की वेंटिलेटर जनरली क्रिटिकल केयर वाले, पल्मोनोलॉजिस्ट क्रिटिकल केयर वाले, एनेस्थेसिया वाले, जनरली ये तीन, तो हर कोई डॉक्टर भी यूज नहीं कर सकता, वेंटिलेटर को चला नहीं सकता, ये भी है, तो इसके भी स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, क्रिटिकल केयर हैं, और एनेस्थेसिस्ट, ये जनरली इसको चला सकते हैं। तो हमारे कैमरा पर्सन मोहसिन ने भी आपको सारा पूरा वो सब कुछ दिखाया है, और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि इस तरह की होल्डिंग करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप मशीन के जरिए आखिर अकेले क्या कर लेंगे।